पापा की परी, परियों की रानी, सुसंस्कारों की अनमोल कहानी। भ्रम था जो उनको कि कमजोर हूं, हिम्मत से अपनी तार तार किया है। लांघा पर्वत सा ऊंचा बाधाओं का तूफान, अंधविश्वासों के गहरे सागर को पार किया है। आग, आसमा, पवन और पानी से मिलकर बनी एक अद्भुत हस्ती हूँ। पावन, शीतल, प्रेम और भक्ति हूँ। नर नहीं, नारी हूँ, तभी तो शक्ति हूँ, तभी तो शक्ति हूँ। As aptly remarked, trying to be a man is a waste of woman. कोई शक नहीं कि एक नारी को सही मायने में शक्ति उसी के नारित्व से मिलती है। सहन शक्ति के जन्मजात गुण सहानुभूति, रचनात्मकता, सहनशीलता, नम्रता, दया और अखंडता जो स्वाभाविक रूप से महिलाओं में आती है, उनके नारित्व की ठोस नींव है। नमस्कार, मैं सारिका धुपट विमेन टीवी इंडिया के नए शो टाइटल क्वींस ऑफ इंडिया की होस्ट और आपकी अपनी दोस्त। विमेन टीवी इंडिया से जुड़े सभी सम्मानित दर्शकों का मैं अभिनंदन करती हूँ और आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब समय है हमारी आज की खास अतिथि से आपका परिचय करवाने का। हमारी आज की मेहमान हैं मिसेस दिल्ली एनसीआर रेविशिंग 2020 फर्स्ट रनर अप डॉक्टर रुचि गौतम पंत। रुचि जी, मैं आपका अपने शो टाइटल क्वींस ऑफ इंडिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब तक हमारे अभी अन्य दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं जो दोस्त ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर रुचि गौतम पंत का परिचय करवा देती हूँ। वर्ष 2020 नवंबर को उन्होंने कॉन्फिडेंट के उपशीर्षक के साथ साथ मिसेस दिल्ली एनसीआर रेविशिंग 2020 फर्स्ट रनर अप का ताज भी पहना। रुचि गौतम पंत इज अ फ्रीलांस रिसर्चर एंड वर्क्स ऑन डिफरेंट कॉर्पोरेट एंड अकेडमिक प्रोजेक्ट्स। शी इज अ पब्लिश्ड पोएटेस with more than 200 poems published in different collaborative books and two of her individual books. In this regard, she did around 12 online live shows and recently did her life's first open mic too. She has been awarded with the most prestigious award of the poetry world, Amrita Pritam Samman by Vishv Hindi Lekhika Manch in August 2020. She has done various shoots for renowned designers like Sandeep Srivastava, Rohini Sethi, and Anna Varun. She has also launched a brand for 23 Yards, a men's range by renowned cricketer Ravi Shastri. She has done 2021 calendar shoot with Image 4 ads. इतनी सारी उपलब्धियां हैं कि अगर एक-एक करके सभी गिनवाऊं तो फिर वही बात है कि एक घंटा बहुत कम पड़ेगा। उनको उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए बहुत विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर सम्मानित भी किया गया है, लेकिन इस सब के बारे में जानने के लिए मैं रुचि जी से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करूंगी। रुचि जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। विमेन टीवी इंडिया के आदरणीय दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी पुनः स्वागत करती हूँ। और अगर आपको हमारे आज की खास मेहमान से कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कृपया लाइव चैट सेक्शन में जाइए और वहां टाइप कीजिए, हम उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करने का प्रयत्न करेंगे। तो रुचि जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू इन आवर शो। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो शुरू से ही बात करेंगे, ठीक है? कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, तो एक तो मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। तो इतनी सारी आपने उपलब्धियां की है, लेकिन आप ही से जानेंगे आपके बचपन के बारे में, आपकी स्कूल कॉलेज लाइफ किस तरह की रही, प्लीज हमारे दर्शकों को आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी, आपका मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और सुनीता मैम को भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। टाइटल क्वींस ऑफ इंडिया इज अ ब्यूटीफुल शो, इट्स श्योरली गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, आई एम रियली श्योर अबाउट इट। और वुमेन्स टीवी इंडिया का भी मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं आप सबके सामने यहाँ पर हूँ। पूत के पैर पालने में ये तो शायद मेरे माँ बाप ही बता पाएंगे, लेकिन हाँ, जो बचपन से मैंने एक चीज नोट की थी दैट आई वाज नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल।
I was very curious about everything happening around me. I had so many questions, you know, to be asked to my parents. और बहुत सारे questions का तांता होता था उन लोगों के पास हमेशा मेरी तरफ से. और keen observation has been one of my strongest trait. एक बार जो मैंने देख लिया उसको मैं जिंदगी में नहीं भूलती और वो अभी तक मेरे साथ है. छोटी छोटी चीजें नोट करना, it's a very strong trait I feel I have. And a small flair I had of turning things my way. मैं चीजों को अपनी तरीके से कर लेती थी. I was always in a favor of completing it, doing it and giving it my best. So I had a flair of turning things my way and doing and giving my best to it. तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग विल्ड गर्ल है ना, स्टार्टिंग से ही आप रही है. तो ये अपने आप में एक हम चिन्हों की बात कर रहे थे, हम सिंबल्स की साइंस की बात कर रहे थे, तो दे वर ऑलरेडी देयर. और आपकी फैमिली में कौन था, किस तरह के स्कूल कॉलेज की लाइफ आपकी थी, थोड़ा सा हमें बताएं. तो मेरे फादर जो हैं, ही वाज एम्प्लॉयड इन स्टेट गवर्नमेंट, रामगंगा प्रोजेक्ट करके ही यूज्ड टू लुक आफ्टर. एंड मेरी स्कूलिंग जो थी वो प्रॉपर एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई है. मैंने प्रॉपर मैट में बैठ के पढ़ाई की है. मैंने सेल्स से ब्लैक बोर्ड को ब्लैक भी किया हुआ है और स्कूल के गार्डन को शैतानियां करने पे साफ भी किया हुआ है. एंड इट ऑल वॉट एवर आई डिड इन माय चाइल्डहुड हैज सर्टेनली मेड मी अ बेटर ह्यूमन बीइंग. My childhood was very challenging. I was in a joint family. बहुत सारे values आपको मिलते हैं when you stay with your grandparents. So I was one of those fortunate kids. And उसके बाद 12th जब मैंने complete किया, my father believed that this girl does not belong to a small town, normal college days. He decided to send me to Uttar Pradesh for higher studies. I basically belong to Uttarakhand. And from there, exploring the world journey for me started. You know, all those qualities that I just mentioned that always stayed with me. I was very keen to know everything about having no happening around me. I was very curious about everything. I used to complete my projects and everything. It was just awesome. It was going perfectly fine. Then I did my MBA. I did my job. And 2008, I got married. Great, nice. Yes. वही बात है ना, जो अब आजकल अगर हम मैं बहुत ज्यादा नहीं आगे जाऊंगी, लेकिन जो आजकल का एजुकेशन सिस्टम है, हम कह रहे हैं बात करें एनईपी की, हम बात कर रहे हैं ब्लेंडेड लर्निंग की, तो जिस तरह की तैयारी हम कहते हैं कि बच्चों की होनी चाहिए, ऑल दोस क्वालिटीज वर ऑलरेडी देयर इन यू, है ना, कि बच्चे को क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है. तो है ना, और मैंने एक चीज जो मुझे मालूम है आपके बारे में, कि जब आप पीएचडी कर रही थी तो 2020 में आप ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी लंदन भी गई हैं, जहां आपने एक पेपर प्रेजेंट किया, देन यू वर अवार्डेड द बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड. हमें थोड़ा अपनी पीएचडी के विषय के बारे में बताएं और अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं. Okay, ma'am. So 2014, I joined PhD as a full-time program at Amity University. And when I entered college, in college, everybody was talking about the organizational system, the organizational strategy, the organizational culture, the organizational, bonds, the corporate world and all. But nobody was speaking about the human component of the organization. And, I've been very kind of people person. I worked in HR consulting world. I was very concerned about people's concern. You know, when you come to the organization, what is that one thing that motivates you to come to the organization? It's not salary. It's not the work profile. It's not the security of the organization that they give. There are a number of components that bring you to the organization next day. So I wanted to study that element, and in that research paper for which I was nominated to present it at Oxford University, is because I changed the definition of HRM, human response resource management, to human response management. So I believe, because humans are not resources for the organization, they are the live people, those who bring innovation, those who bring the culture, those who bring the system to the organization. So they are the core of it. And probably that was the idea which was liked by Oxford University, and they gave me a chance. And 2017, I went there, I presented it there, and I won the Best Presentation Award too. So yes, that was a star for me.
वेरी गुड, तो आपकी जर्नी शुरू से ही अचीवमेंट्स वाली रही है और एक विक्ट्री जो आपने अभी हम टाइटल क्वीन यू आर द क्वीन आप जो ब्यूटी पेजेंट की आपने एक अपना अपने नाम किया है फर्स्ट रनर आपका खिताब उसके बारे में हम अब आगे उधर ही चल रहे हैं लेकिन वो आपको शुरू से आदत थी अवार्ड्स जीतने की है ना तो अब मैं यही जानना चाहूंगी लिटरेरी मतलब आपने एक लिटरेरी स्टार्ट किया आपने एक अकाडमिक स्टार्ट किया वहां अचीवमेंट्स की देन हाउ डिड यू मूव टुवर्ड्स दिस ब्यूटी पेजेंट अपनी जर्नी आपकी जो जर्नी रही है किस तरह सबसे पहले आपके मन में ये ख्याल आया कि हाँ अब मुझे ब्यूटी पेजेंट में जाके आई शुड कंटेस्ट देयर तो उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे आप हमें बताइए वो अपनी जर्नी डिस्क्राइब कीजिए प्लीज कि पहला ख्याल आने से लेकर जब आपने तैयारी की क्या क्या तैयारी आपको करनी पड़ी और फिर फाइनली विनिंग द क्राउन सो वी वुड लाइक ऑडियंस टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट श्योर मैम आई वुड लव टू यू नो टेल यू अबाउट दिस जर्नी बिकॉज I am here because of that crown and that title today only. But one thing I will just correct. You just said you always had that winning attitude. I will give a change to this statement that I never wanted to win. I was never in that winning spirit. Rather, I was always concerned about doing it and giving it my best. So I was always clear. Either I'll do it or I'll not do it. And if I'm doing it, I'll do in such a way that I'll try to beat the, you know, whatever the highest standard and I'll tell, try to set the bar in that. So I always tried and focused and performed like that. Right. So I always said giving your best matters more than what the results are. So I always worked on that. And yes, My daughters are models for Junior Fashion Week by Lakme. And they've been working for them for 3 years now. Elder one worked for 3 years and younger one worked for 2 years. And they walked there because that was my hidden dream too. You know, I wanted to see them on the ramp. College mein bahut sare shows kiye the, ramp walk bhi hota tha, wo bhi kiya tha. But I never got that formal chance with a crown, you know. So that was a dream for me. एंड बच्चों को कहीं ना कहीं शायद वो चीजें नोट करते थे कि मामा पीछे के सामने जाके कभी कभी पोजेस देते हैं एंड ऑल तो वन डे सडनली माय डॉटर्स टोल्ड मी मामा व्हाई डोंट यू वॉक द रैंप विद अस तो मैंने कहा बेटा ये तो बच्चों के लिए है मम्मा तो इसमें अलाउड है तो मेरी छोटी बेटी बोलती है मामा लेट्स फाइंड आउट वन एंड इफ इट इज नॉट देयर एंड इफ इट इज नॉट देयर लेट्स क्रिएट वन यू नो And then I would like to quote that Shah Rukh Khan ka dialogue, no? Jab aap kisi cheez ko dil se paana chahte hain, to puri kainat aapko usko dilwane mein madad karti hai. And then connections with connections on connections happened. And then I reached Mrs. Barkha Nangia, the woman who is a game changer, who is changing life of number of women and doing it selflessly. And, you know, I reached the academy called Glamour Gurgaon. I registered there for that. I went through 1.5 years of training and today I'm here. Very nice, very nice. So, my next question jo hone wala tha aapse, wo ye tha ki aapki jeet mein obviously aapne bahut mehnat ki hai और देखिए जो छोटी छोटी चीजें हम यहाँ वहां से इन्वाइट करते हैं वो हमारा एक पर्सनैलिटी को डेवलप करती है तो सारे एफर्ट्स हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे साथ चलते रहते हैं तो एक क्रेडिट तो आपका तो रहेगा ही आपकी अचीवमेंट में लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसके अलावा आप किसे क्रेडिट देना चाहेंगे अपनी जीत का तो थोड़ा सा हिंट मुझे मिल गया है आपके पास बट स्टिल आई वुड लाइक यू टू शेयर दैट विद अस यू विल बी अमेज्ड टू नो दिस दैट द एंटायर क्रेडिट ऑफ मी बीइंग अ वुमन आई एम टुडे गोज टू टू मेन इन माय लाइफ नो एंड फर्स्ट इज माय हस्बैंड And second is my father. First, father should come because he made me the kind of girl I was. He made me explore the world. He accepted my failures as happily as he accepted my successes. And he always gave me that independence of, you know, going out, meeting people, knowing new things and developing my own world. And her girl ka ek khwab hota hai na ki husband bhi usko papa ki tarah mil jaye. And I was fortunate enough to get one like him who is very supportive
So credit goes to these two men in my life who are a strong pillar in my life, and without them, it wouldn't have been possible. Very nice to hear that, क्योंकि बहुत important aspect है. हमेशा हम कहते हैं कि एक successful आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन अगर ये men की भी एक attitude इस तरह का develop हो जाए कि to support a woman, तो nothing like that. Then we talk about gender equality. Right, great. तो जीतने के बाद देखिए हमारे बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइफ में. यू गेट सोशल प्लेटफॉर्म, आप रिकॉग्नाइज होने शुरू होते हैं. तो मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरह के चेंजेस आपकी लाइफ में आए, आपका नजरिया लाइफ के प्रति कैसे चेंज हुआ जीतने के बाद, या लोगों का नजरिया आपके प्रति कैसे चेंज हुआ? मैम, लाइफ के प्रति मैं कहूंगी मेरा नजरिया चेंज नहीं हुआ, because I already was focused on what I want to do in my life, and but I was looking for a platform which can give me an identity, you know, which people will follow, which people would want to hear. And believe me, this crown is so heavy, it looks beautiful, but it has come with so many responsibilities. It has made me grounded, and it has made me presentable, you know. It people want to hear me, people look forward to my shows, people want to really know what I, you know, I'm trying to convey. And probably I was looking for a platform, and Glamour Gurgaon has given me that. Barkha Ma'am, you know, groomed me like that. So there are a number of things I was looking for, and I got in this one single platform. About the changes I want to do in society, yes, of course, I've been taking different assignment. कुछ आवाज ब्रेक हो रही है ऋतु जी के अभी. तो एक्चुअली मैं दे आर हां सो नंबर ऑफ ऋतु, अगर आप मुझे सुन ले पा रही हैं तो थोड़ा सा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. नहीं, थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रहा था, तो ये इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा नेटवर्क और स्टेबल हो जाए, तब तक एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. रुचि जी के साथ हमारी बहुत रोचक बातचीत जारी रहेगी ब्रेक के उस पार भी. आप कहीं जाइए मत, हम यूं गए और यूं आए. तो ब्रेक के बाद हम फिर से आपसे जुड़े हैं, और जितने भी हमारे विमेन टीवी इंडिया के इस समय लाइव ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उनका पुनः स्वागत करते हैं. हम देख सक रहे हैं कि आप हमारे शो को लाइक कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू. बहुत सारे हमें कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. और हम चाहेंगे कि अगर आप कुछ भी हमारी आज की जो गेस्ट हैं उनसे पूछना चाहें, तो प्लीज आप टाइप इसमें हमारा जो लाइव टाइप सेक्शन है इसके अंदर आप कमेंट बॉक्स के अंदर प्रश्न अपने डाल सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं, हम उन्हें जरूर शेयर करेंगे. और विमेन टीवी इंडिया को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. डॉक्टर रुचि गौतम पंत हमारे साथ हैं, और हम बहुत ही एक रोचक मोड पे हमने ब्रेक लिया था, तो हम दोबारा से रुचि जी से खातिर होंगे. और मेरा उनसे जो प्रश्न रहेगा, वो हमें बता रही थी कि किस तरह से लाइफ के प्रति किस तरह से उन्होंने ये जो अपनी विक्ट्री के बाद उनका लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं. तो रुचि, आप मैंने एक चीज अभी आपके बारे में जानी थी कि आपने 12 ऑनलाइन लाइव शोज किए हैं, और एक लाइव का फर्स्ट ओपन माइक भी किया है, तो वो क्या चीज होती है, थोड़ा उसके बारे में बताएं प्लीज. ओपन माइक इज लाइक परफॉर्मिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ दी small audience, a selected number of people are there, those who are themselves performing. So 12 15 25 logo ki gathering hoti hai, jo sab wahan pe kavita sunne sunane aaye hain, and aap wahan pe ek live performance dete hain. So this is what open mic is. Okay, great.
बहुत सारी एक्टिविटीज आपकी बढ़ गई होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि एक जब सोशल पर्सनैलिटी बन जाते हैं, एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाते हैं आप, थोड़ा नोन आपका एक सर्कल बढ़ता है, तो ये जो पब्लिक है, प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ, आपकी दो बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां हैं जिनकी आपने बात की, वो ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी मॉडल्स, और तो किस तरह से आप अपनी फैमिली लाइफ, अपनी प्राइवेट पर्सनल और पब्लिक लाइफ में तालमेल बिठाती है, हम हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे आपसे। मैनेज करना मैम इजी हो जाता है मुझे लगता है व्हेन यू हैव अ फैमिली टू सपोर्ट, एंड मुझे लगता है व्हेन यू चूज टू डू समथिंग देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू डू इट। सो इट्स सर्टेनली जस्ट अबाउट मेकिंग प्रायोरिटीज कि मुझे आज के दिन में पहले क्या करना है, सेकंड नंबर पे क्या करना है, और उसके साथ घर के काम भी चलते रहते हैं। And that is the reason I chose to be in the freelancing job, because I would be able to give time to my daughter, seeing the environment around, because it's not very safe for kids. So I chose to be at home, be with them, accompanying them to their classes, be there entire day for them, meeting their demands, because once this time is gone, they will turn teenagers. Probably the need for parents will not be that much there. So I wanted to enjoy their childhood, and with the help of my family, my mother-in-law is there, my supportive husband is there, as I told you, it's all happening with the grace of God. Great, that is wonderful. Nice to hear ki after marriage also, ek naye tarah ki duniya mein aap kadam rakh sakte hain, and you can achieve so much and you can balance everything around. To ye bahut achhi baat hai, ek women empowerment ka bahut bada example rehta hai. To congratulations to you for being an example. रुचि, जब हम ब्यूटी पेजेंट्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये तो हम हमेशा से काफी देर से कहते थे कि ब्यूटी विद ब्रेन्स, तो उसमें तो आपने, हम जानते हैं कि आप बहुत सारे आर्टिकल्स लिख रही हैं, बहुत सारे बुक्स आपने ऑथर किया है कोलैबोरेटिव ग्रुप से और अदरवाइज आल्सो, वी विल टॉक अबाउट दोस नाउ, बट सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गेम खेलना चाहूंगी, और जो ये वर्ड गेम है, क्योंकि एक हमारे पास इतनी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, तो हम जरूर चाहेंगे कि आपसे ये वर्ड गेम खेलें। इसका मैंने नाम रखा है डायरेक्ट दिल से, वन वे वन वर्ड इंस्टेंट रिएक्शन, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ द गेम, रैपिड फायर राउंड की तरह रहेगी। मैं आपको एक वर्ड दूंगी और आपने इमिडिएटली विदाउट एनी टेकिंग एनी टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, आपने मुझे उसका इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना है। So, may I shoot? Yeah. Sure, ma'am. Great. So, my first word goes to you is friends. Happiness. Okay. And then religion. Choice. It's a choice. Okay. Great. Books. Good friends. Yes. Blogs. A world to explore. Okay, right. Here's a phrase coming. Girl education. Much needed. Okay, love. What are your views on love? Invisible. Okay. Nature. Meditation. Yes. Beauty. It's not a word. It's a world altogether. You can go beyond a word. You can go beyond a word in case you want to. Yes, one beauty line, for me. Beauty for me is not by how you look, but rather how you behave with people and surroundings. So that's what beauty for me is. Great, lovely. So you've done exceedingly well, Ruchi, and I must congratulate you. You passed our round with the flying colors. So now, thank you. So now I will be moving on. देखिए, इतना हमने आपकी बात की कार्ड में प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ के बारे में, लेकिन हर इंसान को एक मी टाइम चाहिए होता है जहां वो कर सके, जिसे उसे रिलैक्सेशन मिलता है मेंटली, इमोशनली, एक फुलफिलमेंट मिलता है। So I would like to talk about your hobbies and interests, Ruchi. Okay, ma'am. I love to talk about my hobbies because I'm a very aesthetic person. I love art, culture, nature. I feel connected to. And the best hobby
my favorite hobby that I have is writing poems, because I feel it's the expression of my heart, and whatever I'm feeling at that moment, I just write it, and sometimes it comes out beautifully. More than that, I am into creative arts. Nowadays, during these corona times, I did few of the therapeutic artists art, and I love cooking, because I have two small foodie kids at home, so I keep on trying my hands on different dishes. So, and yes, I'm a born dancer, so whenever I get time, I try my hands on dancing too. Wow, so what a great combo you are. Thank you, ma'am. Thank you so much. It's all I've learned. It's all yes. a process. Yes. I found my connection, and I did them. A great blessing for the family indeed, with all the with the hobbies you mentioned, painting, cooking, dancing, everything into one person. Great. Here I would like to mention ki Ruchi, Dr. Ruchi Gautam, she has been awarded. अभी पहले मैं आपको बता चुकी थी, उनको अमृता प्रीतम अवार्ड मिला है, सम्मान मिला है, जो कि काफी सबसे बड़ा सम्मान है पोएट्री के फील्ड में. देन शी हैज आल्सो बीन अवार्डेड बेस्ट पोएट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी एट 101 विमेन्स अवार्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय विमेन्स कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स. देन शी हैज बीन अवार्डेड प्राइड वुमेन ऑफ इंडिया अवार्ड बाय आगमन अ पोएट्री कम्युनिटी ऑन द इंटरनेशनल विमेन्स डे, दैट वॉज ऑन दिस 7th March 2021 itself. तो रुचि, जब इतना हम पोएट्री की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे दर्शक अब तक बहुत उत्सुक हो चुके होंगे. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, आई कैन सी देम, जो हमारा लाइव चैट सेशन है, कि वहां पर पीपल आर रियली लविंग द कन्वर्सेशन, और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं. एक कमेंट हमें आया है सुनीता जी की तरफ से कि ब्यूटीफुल वीमेन टुगेदर, थैंक यू सो मच, आई लव दैट. बहुत सारे अच्छे कमेंट्स हैं, पर हम अभी मुझे क्वेश्चन कोई नहीं आया. यस, देयर इज वन कमेंट दैट यू कैरी योर अचीवमेंट्स वेरी ग्रेसफुली, तो कांग्रेचुलेशंस रुचि, दैट वाज फॉर यू. थैंक यू, थैंक यू मैम. विद सो मेनी टू योरसेल्फ, अभी हम नहीं, आई डोंट थिंक हाउ वी कैन मूव अहेड विदाउट अ पोएट्री पीस फ्रॉम यू रुचि, तो लाइक जस्ट प्लीज डू दैट फेवर टू अस. श्योर मैम, आई विल सर्टेनली डू इट फॉर द लवली शो. इस पोयम को आई जस्ट रोट थिंकिंग ऑफ मी एज अ पर्सन, एंड आई सर्टेनली हैव अ मैसेज टू कन्वे हियर, एंड दैट मैसेज इज जस्ट टू बी अ गुड ह्यूमन एंड रिस्पेक्ट गॉड्स चॉइस दैट ही सेंट यू हियर एज अ ह्यूमन. सो आई विल स्टार्ट विद द पोयम. बातों के लिए कोई फिराक नहीं होती, कभी कभी अपनों से ही भी बात नहीं होती. टूटे दिल की कोई दवा खुराक नहीं होती, दिन गुजर जाता है पर रात नहीं होती. रस्मों रिवाजों की जीवन भर सौगात नहीं होती, देर आर टेम्पररी रिलेशंस एज वेल. रस्मों रिवाजों की जीवन भर सौगात नहीं होती, सिर्फ पिंजरा खोल देने से चिड़िया आजाद नहीं होती. माहौल नहीं बनता यूं चिकनी चुपड़ी बातों से, वो अलग ही लोग हैं जिनको ये मलाई रास नहीं होती. अभी भी दो पंक्तियां हैं. साफ बातें करने से आसान हो जाता है सफर, साफ बातें करने से आसान हो जाता है सफर, पर सबको साफ दिल मिली औकात नहीं होती. थैंक यू, बहुत अच्छा है. मतलब मुझे, आई एम श्योर कि हमारे जो ऑडियंस है, व्यूअर्स है, उन्होंने आपका जब ये पर्सनैलिटी एस्पेक्ट देखा है तो ऑब्वियसली दे नाउ नो एंड दे विल सर्टेनली बिलीव कि ब्यूटी इज नॉट ऑल अबाउट लुक्स. इट्स नॉट ऑल अबाउट लुक्स, इट्स अबाउट ब्रेन्स, इट्स अबाउट टैलेंट एंड इट्स अबाउट इमोशंस एंड सेंसिटिविटी. यस, सो अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू अबाउट दैट. एंड एक चीज और है रुचि, जो मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छी है, जैसे आपने मेंशन किया डांस के बारे में, और मैंने आपकी बहुत सारी कोरियोग्राफीज देखी है जहाँ पे आप बहुत ब्यूटीफुली, यू आर यूजिंग योर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड योर हैंड मूवमेंट्स टू ब्रिंग आउट ब्यूटीफुली द इमोशंस ऑफ अ सॉन्ग. तो अगर अभी मैं, हम सॉन्ग तो नहीं प्ले कर सकते, बट आई नो दैट यू आर अ गुड सिंगर ऑल्सो, सो आई विल एनकैश ऑन एवरी टैलेंट ऑफ योर्स. And I would request you, I would certainly request you, Ruchi, if you could just a small piece of facial dance, I would rather say, if you could perform that for our audiences, that would be great.
Okay, so I'll sing two lines from a song and I'll do the facial dance as well as yes. And it's really an honor. Okay. गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम हाय राम हाय राम. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. बहुत सुंदर, मतलब इतना अच्छा लगा. मुझे लगा शायद कोई मैं मूवी के किसी एक्ट्रेस को देख रही हूँ. सो लवली. और मुझे थैंक यू ऑडियंस को भी लगा. यस दे आल्सो फेल द सेम एंड दे वर सो हैप्पी अबाउट योर पोएट्री एंड अबाउट योर परफॉर्मेंस. और इधर कहा गया है, हमारी कमेंट सेक्शन में आया है कि ब्यूटीफुल पोएम एंड सो वेल डिलीवर्ड, वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल. और जो आपकी जो आपका पोएट्री का भाव था उसके लिए भी बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं. देखे कि यस देयर आर टेंपरेरी रिलेशंस, क्या बात है. एंड दे हैव सेड दैट ईच मोमेंट इज लेटिंग अस नो अबाउट मोर एंड मोर अबाउट योर टैलेंट्स एंड दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू. दैट इज मंजुआरिया. एंड यस रुचि जी पोएम, एक और पोएम सुनाइए. सो देयर इज अ रिक्वेस्ट फॉर अदर पोएम फ्रॉम यू. So I guess if you could oblige our audiences, they would love the way you express the emotions and whatever, I mean, content was very good, but the way you deliver, obviously, that is also excellent. So could you just come up with a small poetry piece again? Yeah. I am ready with the one small four-liner again. So yeah. Aap sab logo ke liye jinhone request kiya hai, aap sab ke liye main dedicate karna chahti hoon. This poem is on me again. लोग पूछते हैं कि तुम पिछली राहों पर क्या छोड़ आई हो. लोग पूछते हैं कि तुम पिछली राहों पर क्या छोड़ आई हो. मैंने कहा कुछ तुम्हारे कुचले वादे, कुछ तुम्हारी जफा छोड़ आई हूँ. मैंने कहा कुछ तुम्हारे कुचले वादे, कुछ तुम्हारी जफा छोड़ आई हूँ. मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं सनम, मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं सनम. इस जमाने की तरह मैं अपने कदमों के निशान के संग थोड़ी अपनी वफा छोड़ आई हूँ. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है. मतलब सच में रुपयाने सब थैंक यू सो मच. और लोग सचमुच, मतलब जो हमारे ऑडियंस है, व्यूअर्स है, ऑल द रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स, मेरे को जो कमेंट्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, दे गेटिंग बिकमिंग बिगर एंड बिगर फैंस ऑफ यू. और ये अलका शर्मा जी की ये जो रिक्वेस्ट थी आपने पूरी की है एक और पोइम सुनाने की. एक प्रांजल की तरफ से भी हमें एक आपके लिए क्वेरी है. ही इज आस्किंग हु इज योर फेवरेट पोएट एंड इफ यू कुड जस्ट लेट्स कम वन बाय वन. तो हु इज योर फेवरेट पोएट इज अ क्वेश्चन बाय प्रांजल. मैम हर कवि का, हर पोएट का एक जॉनरा होता है दैट दे राइट ऑन. एंड मैं बहुत ज्यादा लिखना पसंद करती थी प्रेम पर और बिछोह पर, दोनों एक्सट्रीम है, मिलना और बिछड़ना. एंड व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग पोएम्स एंड रीडिंग पोएम्स, एब्सोल्युटली महादेवी वर्मा जी बिकेम माय फेवरेट, बिकॉज शी यूज्ड टू राइट अ लॉट अबाउट लव, वेटिंग फॉर द बिलवड. एंड फिर अमृता प्रीतम जी ने भी मुझे काफी आकर्षित किया, उनकी पोएम्स जो स्त्री धनी होती थी कि मैं तेनू फिर मिलांगी, और महादेवी वर्मा जी की कौन तुम. सो कुछ पोएम्स हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत खूबसूरत कविताएं हैं, और इन लोगों ने मुझे बहुत उभारा है एक कवित्री की तरह. मैं अभी भी सीख रही हूँ, तो आई होप दे कीप ब्लेसिंग मी एंड आई कीप लर्निंग. नहीं, वो जो उनकी झलक है वो आपके अंदर दिखती है, जो एक कहीं वो सेंसिटिविटी का लेवल ही एक अलग लेवल पे चला जाता है. तो रुचि, साथ ही साथ दो लाइनें हम चाहेंगे. आपने कहा दोनों ने ही आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, अमृता प्रीतम जी ने भी और माधवी वर्मा जी ने भी. तो आप किसी का भी दो लाइनें सुनाएंगे और उसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक दोबारा से लेंगे, और फिर ब्रेक के उस तरफ हम आपसे और बहुत सारी रोचक इंटरेस्टिंग और आपकी सोशल एक्टिविटीज के बारे में भी बात करेंगे. Sure, ma'am. Sure. It will be an honor, certainly. महादेवी वर्मा जी की जो पोयम थी, generally वो लिखती थी beloved का अपने वेट कर रही हैं, और उस क्षण को वो बताती थी, अपने beloved को एक्सप्लेन करती थी. तो उनकी फेवरेट जो
पोयम है, दैट इज, मैं इसकी चार छह ही पंक्तियां सुनाना चाहूंगी. कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित, कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर जरता अपरिचित. अरे स्वर्ण सपनों का चितेरा नींद के सूने निलय में, स्वर्ण सपनों का चितेरा नींद के सूने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में. अरे वाह, अरे वाह, कमाल. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. और एक है विजुअल स्टोरी टेलर के नाम से हमें कमेंट आ रहे हैं, सो आई डोंट नो द नेम बिकॉज इट इज नॉट गिवन देयर. वो एक, उनका एक प्रश्न है कि हाउ हैज पार्टिसिपेशन इन पेजेंट, आई गेस ही जॉइंड लेट, चेंज your you as a person. तो एक ये क्वेश्चन है, अगर आप एक थोड़ा सा इनको फिर से एक दो लाइन में हाँ, बता सकते हैं. मैं बता देती हूँ, मैंने जैसे आपको बताया था कि this crown is very heavy. It looks beautiful but it's very heavy, heavy. इसने मुझे बहुत humble बनाया है, इसने मुझे और भी ज़्यादा grounded कर दिया है, और इसने मुझे काफी समाज में फैली ऐसी कुरीतियों को भी से लड़ने की यू नो दैट मोटिवेशन दिया है कि इसके साथ तुम बहुत कुछ कर सकती हो. रानी लक्ष्मीबाई वाला फील आता है मुझे कभी कभी. इसके साथ मुझे वो मौका मिला है कि लोग मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे इसने वो आइडेंटिटी दी है कि अगर मैं किसी को बोलूं कि मुझे इस बारे में बात करनी है तो लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं कि मेरे पास क्या है उनको बताने के लिए, क्या है कन्वे करने के लिए. सो इट हैज changed me entirely as a person who has also become a social activist in a limelight now, and it has given me a voice that people want to hear, that people want to connect and people want to work with. So this will be my take on this that question. Yes, that is wonderful. Aur hame naam bhi aa gaya hai storyteller ka, Anand hai, जो आपसे ये जानना चाहते थे. एक्चुअली आनंद तो एक हम कह सकते हैं एक नाम है, बाकी सभी दर्शक ऑब्वियसली ये जानना चाहते हैं जिस तरह के कामों से आप जुड़ी हुई हैं. हमारी बहुत ही रोचक बातचीत जो है वो रुचि जी से जारी रहेगी, लेकिन अब एक समय है एक छोटे से ब्रेक का, तो हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे और उस तरफ आपसे फिर मिलेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग रोचक बातों के साथ. नमस्कार, हम वापस हैं ब्रेक के बाद और हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं. और मैं ये भी बताना चाहूंगी बहुत सारे रुचि हमारे साथ हैं. रुचि वेलकम बैक. और रुचि जो आपके, अगर मैं कुछ कमेंट्स को डिस्कस करना चाहूंगी, बहुत सारे कमेंट्स हमें आए हैं मंजुआरिया की तरफ, सुनीता धाईवाल, प्रांजल, आनंद, देन वी हैव राजेंद्र श्रीवास्तव एंड वी हैव अलका शर्मा, वी हैव कृष्णन एंड डॉक्टर आबरानी, कैलाश पाठक, कमल वर्मा जी, सभी आपके कायल होते जा रहे हैं और वो आपकी तारीफ में हमें खूब सारे कमेंट्स भेज रहे हैं. अलका बोस जी ने भी लिखा है, अरे वाह, जितनी सुंदर आप हो उतनी ही सुंदर आपने कविताएं सुनाई हैं, और थैंक यू सो मच अलका बोस जी. और अब हम और भी चाहेंगे कि हमारे जितने बाकी दर्शक भी हैं और आप सभी से ये दरख्वास्त है, जुड़े रहें और हमें बताते रहें जैसे जैसे हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं. जो मेरा ये अगला सेक्शन है इसे मैं कहूंगी ब्यूटी विद अ पर्पस.
तो यहाँ पर जैसे दिल तो मेरा बहुत कर रहा है क्योंकि रुचि मैंने एक पोएम और पढ़ी थी, इंग्लिश में थी, डिग्निटी से रिलेटेड थी और वो कुछ ऐसे इश्यूज के साथ है, तो मैं भी जैसे जैसे बात करेंगी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें एक छोटी सी पोएम और उसके ऊपर सुनाए। पर हमारा समय भी खत्म भी होने वाला है, हमारे पास 10-15 मिनट ही और बचे हैं, तो मैं चाहूंगी कुछ सोशल एक्टिविटीज जिनके साथ रुचि बहुत जोरों शोरों से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में बात कर ली जाए। रुचि, आपने अभी 2021 में जैसे ही सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ, यू हैव बीन अ वेरी एक्टिव COVID-19 वॉलंटियर, तो कोविड इस समय हमारे लिए एक बहुत ही ज्वलंत सा मुद्दा बना हुआ है। इस समय सेकेंड वेव से हम जूझ रहे थे, तो थोड़ा सा अभी कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन हमें पूरा डर है, पूरा एहतियात बरतना है क्योंकि थर्ड वेव कहते हैं बहुत खतरनाक हो सकता है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं किस तरह से आप COVID-19 के वॉलंटियर के रूप में आप क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरह से आपका रहा और किस तरह से आप हमारे दर्शकों को सचेत करना चाहेंगे कि वो ध्यान रखें कि हम सब सेफली इस बुरे समय को पार कर जाएं। मैम, बहुत ज्यादा मैं कहूँगी ज्ञान नहीं है मेरे पास इस चीजों पर देने के लिए, बट मैं बस इतना ही कहूंगी कि जो भी सरकार ने आपको गाइडलाइंस दी हैं, प्लीज उनको फॉलो कीजिए। आप मास्क पहन के रास्तों में नहीं चल रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंस नहीं बनाते हैं और फिर आप हर बात पे गवर्नमेंट को दोषी मानते हैं, विच इज नॉट राइट। आपके और मेरे प्रयास से ही हम इसको दूर भगा सकते हैं और उसकी सिर्फ एक ही कुंजी है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना। इसके अलावा हमें इस लड़ाई से कोई भी नहीं बचा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल आपने ठीक बोला। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अगर इनका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो कई बार होता है कि बहुत छोटी छोटी बड़े बड़े हथियार जो है वो फेल हो जाते हैं लेकिन छोटे छोटे जो औजार होते हैं उनसे जंग जीत ली जाती है। तो यही छोटी बातें हैं, मास्क पहनना और जैसे कैलाश जी ने भी लिखा कि वॉश हैंड्स हमें हाथ धोते रहने चाहिए बार बार, तो इस तरह की चीजें हमें ऑब्वियसली इस मुश्किल समय को पार करने में मदद करेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंसिंग से शायद ज्यादा फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत है ना। हमने नाम रखा है सोशल डिस्टेंसिंग लेकिन सोशली कनेक्टेड रहे, ऑनलाइन कनेक्टेड रहे लेकिन फिजिकली डिस्टेंस बना के थोड़ा सा भी रखने की जरूरत बना के रखने की जरूरत है। बाकी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस, जो वॉलंटियर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स एंड गार्ड्स एंड पुलिसमैन, वो सब लोग बहुत वंडरफुल जॉब कर रहे हैं। एक छोटी सी गुजारिश है कि अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप को काम रखिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो विदाउट सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन है। बस पैनिक जो क्रिएट हो जाता है ना कुछ सिचुएशंस को लेकर के सडन, उससे चीजें और खराब हो जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो सिर्फ अपना धीरज बनाए रखिए और जो नियम दिए हैं सरकार ने उनको फॉलो कीजिए, उसके अलावा फिर आपको सब यू आर ऑल सेफ हैंड, सेफ होम, सब कुछ बढ़िया है, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल परफेक्टली स्टेटेड। रुचि, हम मूव करेंगे एक सेकेंड, आप सोशल मूवमेंट के साथ जुड़ी थी, यू हैव अटेंडेड विमेन एम्पावरमेंट एंड सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस कैंप, तो उसके बारे में हमें बताइए प्लीज। हमारे जो दर्शक है उन्हें थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए सर्वाइकल कैंसर और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मुद्दे के ऊपर। सो मैम, ये इनिशिएटिव इज रन बाय पिंकीश ऑर्गेनाइजेशन और अरुण सर इसको हेड करते हैं एंड देयर आर नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर सपोर्टिंग हिम एंड आफ्टर विनिंग द क्राउन इमीडिएटली आई कनेक्टेड विद देम एंड उन्होंने मेरठ में एक कैंप किया था सर्वाइकल कैंसर के ऊपर एंड जिसका प्राइम रीजन है जो हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन विलेजेस में प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाती हैं लेडीज क्योंकि वो कपड़ा यूज करती हैं, पैड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वो कैंप जो लगाया गया था वो पैड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही था और उनको ये समझाना था कि अगर आप पैड्स को यूज करेंगे तो जो कपड़ा यूज करने से बीमारियां हो जाती हैं औरतों को और अल्टीमेटली उनका यूट्रस ही रिमूव करना पड़ता है क्योंकि उसमें कैंसरस सेल्स डेवलप हो रही हैं। तो ये सारा कैंप उसके ऊपर था और आई ऑल्सो गॉट द चांस एंड फिर मैंने भी वहां पे कुछ बातें की और उनको समझाया कि सिर्फ एक जागरूकता की जरूरत है, अपने लिए खड़े होने की जरूरत है और सब कुछ आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती है, तो अगर
मेनली ये होता है कि कितना एक बायोलॉजिकल मुद्दा है और पर हम शर्मा जाते हैं, बात नहीं करते, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स कितना एग्रावेट हो जाते हैं कि कैंसर जैसी बड़े प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा अगर नेचुरल हाइजीन के ऊपर गर्ल्स को या विमेन को, स्पेशली रूरल सेक्टर के अंदर अगर उनको अवेयर कर दिया जाए तो शायद बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो हेल्दी रह पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सो मच। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यू हैव बीन एन एफिलिएट एंड को प्रमोटर फॉर पेंटाथॉन व्हिच इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएशन इनिशिएटिव अंडर द डिग्निटी प्रोजेक्ट बाय संस्कृति आर्ट्स, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? सो संस्कृति आर्ट्स इज अ ग्रुप इन मुंबई स्टार्टेड बाय तेजस्विनी मैम एंड हर हस्बैंड संदीप सर। सो दे टुक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हैंड जिसमें 10,000 लड़कियों को एक साल के लिए सैनिटरी किट प्रोवाइड करनी थी। दैट वॉज द वर्ल्ड रिकॉर्ड, थ्रू दिस दे वॉन्टेड टू क्रिएट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इसके लिए उन्होंने चूज किया आर्ट्स का रास्ता क्योंकि दे रन एन ऑर्गेनाइजेशन संस्कृति आर्ट्स। सो वॉट दे डिड वॉज दे आस्क फॉर द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एवरी एज ग्रुप कि आप अपनी अपनी आर्ट्स, अपनी फोटोज भेजिए, आप रजिस्टर कराइए, और उस रजिस्ट्रेशन अमाउंट से हम उन 10,000 लड़कियों के लिए सैनिटरी किट खरीदेंगे and that will be given to them for an year. So this project was also supported by IDF, Indian Developmental Foundation, and later on isko WHO ki bhi sahmati mil gayi thi, unhone bhi isko support kiya, and world menstrual day ke din isko phir ghoshit kiya gaya, unhone apna world record bana liya tha, aur check unhone parso hi abhi IDF ko de bhi diya hai jo sanitary kit ko distribute karenge for an year for 10,000 girls. It matters. Great, that is wonderful. So as a crown holder they chose me as a face for the promotion kyunki maine kaha na is crown ne mujhe sabse badi cheez di hai wo hai meri aawaz. Yes, voice. Yes, great. बिल्कुल बिल्कुल, लोग सुनना चाहते हैं आपको, और जब इतना सुंदर ढंग से कोई सुनाए तो बिल्कुल सुनना चाहते हैं लोग। और यहाँ पे मैं एक कमेंट है मंजू जी का, वो कह रही हैं कि व्योग प्रेम की उत्कृष्ट प्रकाष्ठा है, आपने महादेवी जी के प्रेम की खूबसूरती को दर्शाया है बहुत सुंदर ढंग से। रुचि आप कमाल हैं। और देन यू हैव प्रांजल सिंह, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस। एंड वी हैव हीना जोशी जी, सीता श्याम जी, शालिनी, वशिष्ठ डी, कैलाश जी, सीता श्याम जी अगेन, एंड देन तमन्ना शर्मा जी, ऑल आर प्रेजिंग यू, दे आर अप्रिशिएटिंग योर वर्क एंड दे आर सेंडिंग यू कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस। तो हमारे दर्शकों को आज आपसे रूबरू होकर बहुत अच्छा लगा है, आपकी इसे कहते हैं हम, जिसे सच में अगर हम कह सके कि बहुमुखी प्रतिभावान अगर एक पर्सनैलिटी आज हमारे साथ जुड़ी है तो रुचि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती समय दिया है और हमसे बातें की, हमें इतनी सारी बातों के बारे में बताया है। आई एम श्योर यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन स्टोरी फॉर आर व्यूअर्स, और मैं विमेन टीवी इंडिया के दर्शकों को भी धन्यवाद करूंगी जो साथ जुड़े हैं और जिन्होंने ऑब्वियसली आपके अनुभवों से बहुत प्रेरणा प्राप्त की होगी, आपकी उपलब्धियों और समाज के प्रति आपके समर्पण से उन्होंने बहुत प्रेरणा प्राप्त की होगी। तो रुचि जी आपका भी और अपने हमारे दर्शकों का भी हम धन्यवाद करेंगे जो आज के कार्यक्रम में जुड़े थे। तो और मैं चाहूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे दर्शकों से कि वो विमेन टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इसके साथ और वो इस तरह की हमारी जो पर्सनालिटीज है, मल्टी फेसेटेड मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटीज है, इनसे मिलें और इनके बारे में जानें और वो ज्यादा से ज्यादा वो भी दे कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन देयर ओन वे आफ्टर गेटिंग इंस्पायर्ड। तो हम आपसे थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, बस थैंक यू के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज यही देना चाहूंगी कि भगवान ने हमें इंसान बनाया है और हमें उस इंसानियत का फर्ज निभाना है। सो लेट्स ऑल गियर अप, लेट्स स्टैंड टुगेदर एंड डू समथिंग टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैं अपने जो हमारे सम्मानित दर्शक है उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि टाइटल क्वींस ऑफ इंडिया का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगले सप्ते हम आपके बीच फिर होंगे
एक नए संवेदनशील और प्रतिभावान ब्यूटी क्वीन के साथ. डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन फॉर द बोनेंसा. कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस. प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू विमेन टीवी इंडिया. थैंक यू वन एंड ऑल. थैंक यू रुचि. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सारिका जी. थैंक यू. इट वॉज एन ऑनर. थैंक यू.